अस्सलामुअलैकुम, वालेकुम अस्सलाम कैसी रहमत। तबीयत है हमीदा जी? मुझे तो आपकी तबीयत आज ठीक नहीं लग रही। मुझे बिल्कुल सरकामती से मैं, और शुक्र का भी मरी से मैं। अच्छा, और आपके हस्बैंड? उसका मारा शोर को ना पैर में ना वो गुर्दा गुर्दा वो खत्म हो गया उस दोनों पे। हाँ, अच्छा, गुर्दा का मसला है तो उसका तो इलाज करा रहे हैं। वो सात पन्ने चटाई में तो घर में काम कौन करता है? कैसे चल रहा है सारा खर्चा वो सब लड़की कुछ? उन्हें नथ का कपड़ा बनाते हैं ना, जी 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 नथ जी लगाते हैं वो करते हैं। तीनों बेटियां वही करती हैं। पढ़ाई भी करते हैं, सीधा ऐसी है, बंगाली तो ऐसे भी है मगर कोई सही नहीं है। उनको भी ये है हाँ, कि जिसको पैसा है जहेज। ना इसको देख सकते, उसको प्यार करती है, जिसको पैसा नहीं है ना इसको आपने प्लीज नहीं रोना, प्लीज शो पे मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ हंस के प्यार से बात करें। आपने बिल्कुल भी नहीं रोना। क्या होता है पैसे से? मुझे शुक्र बढ़ जाएगा, मेरा इलाज कर ना सकना, मेरे शुक्र को भी इतना बीमार है, मैं इलाज कर ना सकना इंशाल्लाह ताला सारे इलाज होंगे, बिल्कुल आप परेशान ना हो, बिल्कुल भी नहीं। और नेकी को प्लीज जारी रखिए, ये सिर्फ रमजान तक के लिए नहीं, ये हमेशा हर साल हर दिन होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम एक दिन की नेकी में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमीदा जी, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम कैसी रहमत। तबीयत है हमीदा जी? मुझे तो आपकी तबीयत आज ठीक नहीं लग रही। मुझे बिल्कुल सरकामती से मैं, और शुक्र का भी मरी से मैं। अच्छा, आपके लिए हमने मेडिसिन्स भी मंगवाई हैं, इंशाल्लाह जी ताला वो आपको शुक्रिया भी अल्लाह मिल का, फिर जाएंगी। भी शुक्रिया की तो इसमें कोई बात ही नहीं है। शुक्रिया अल्लाह का। आप मुझे ये बताएं कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? आपका थोड़ा सा ध्यान इधर उधर करते हैं। तीन लड़की है मुझे, अच्छा, और आपके हस्बैंड? उसका मारा शोर को ना पैर में ना वो गुर्दा गुर्दा वो खत्म हो गया उस दोनों पे। हाँ, अच्छा, गुर्दा का मसला है तो उसका तो इलाज करा रहे हैं। वो सात पन्ने चटाई में तो घर में काम कौन करता है? कैसे चल रहा है सारा खर्चा वो सब लड़की कुछ? उन्हें नथ का कपड़ा बनाते हैं ना, जी 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 नथ जी लगाते हैं वो करते हैं। तीनों बेटियां वही करती हैं, पढ़ाई भी करते हैं। पढ़ती भी हैं, क्या पढ़ रही हैं? अभी कुरान पढ़ती है। तो सबसे जो बड़ी बेटी है आपकी, जी उनकी कहीं बात बात तय हुई है शादी की या कुछ इस यार, तरह का? आ रहा रिश्ता मगर दे नहीं सकता, पैसा नहीं, इसलिए क्या ये बड़ी अजीब बात है। आपको पता, करूँ। मुझे जब भी मतलब मेरी मुलाकात होती है तो मुझे पता यही चल रहा है कि जी जहेज की वजह से जो है ना वो नहीं हो पा रहा। ये बड़ी अजीब सी बात है। और मैंने तो यहाँ तक ये भी सुना कि वो कहते हैं कि गाड़ी चाहिए, बाइक चाहिए, ये बात सही है? अल्लाहु अकबर। तो क्या अपने रिश्तेदारों में भी नहीं करवाएंगे? रिश्तेदार तो समझते होंगे ना घर के हालात को। हमारा रिश्तेदार ऐसे है, बंगाली तो ऐसे भी है मगर कोई सही नहीं है। उनको भी ये है हाँ, कि जिसको पैसा जहेज। है ना इसको देख सकते, उसको प्यार करती है, जिसको पैसा नहीं है ना इसको किसी आपने प्लीज नहीं रोना, प्लीज शो पे मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ हंस के प्यार से बात करें। आपने बिल्कुल भी नहीं रोना। क्या होता है पैसे से? इलाज कर ना सकना, मुझे मेरा प्रेशर बढ़ जाएगा, मुझे शुगर बढ़ जाएगा, मेरा इलाज कर ना सकना, मेरे शुगर को भी इतना बीमार है, मैं इलाज कर ना सकना, इंशाल्लाह ताला सारे इलाज होंगे, बिल्कुल आप परेशान ना हो, बिल्कुल भी नहीं। रोने से थोड़ी ना कुछ होगा, रोना तो सिर्फ उस रब के आगे है ना। तुम्हारा माँ बहन समझे मुझे, तू मेरा बेटी की तरफ है बस। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी एक और बेटी हो, मेरा नाम नीलम है ना। हाँ, तो देखो अल्लाह ने हमें मिलवाया आपस में, अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुद उस परवरदिगार की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आपसे मिलवाया। और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि आप रो रहे हैं। क्या आप चाहती हैं मैं भी रूं? हाँ, मैं किराया घर में देती हूँ, किराया देने से मुझे कितने बेइज्जती कर रहे, घर से निकालने के लिए सारा मुझे मालिक नहीं, घर का मालिक थी मुझे घर से बाहर निकाल दिया। निकालने के लिए सारा, मैं बर्दाश्त नहीं आ रहा मुझे यार। नहीं, मैं समझी नहीं किराए की वजह से। अब वो क्या कह रहे हैं कि आप घर खाली करें? मुझे वो बोला, मुझे बोला हमारा घर खाली कर दे, आप किराया देने से आप लोग कितना निकल। किराया है? अभी 3 महीने का किराया चल गई थी, कितना है 3 महीने का किराया? 7,000 रुपया और पानी का बिल अलग है मतलब क्या? 7,000 रुपये तो 1 महीने के होंगे ना? हाँ,
किराया पानी भी अलग है और गैस का बिल भी अलग है, बिजली का बिल भी अलग है। हम छोटा लड़की लेकर कैसे देंगे? मुझे बहुत से मुझे बीमारी हो रही है। बस आप परेशान ना हो, अल्लाह पे तवक्कल रखें। और आपको पता है हम जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं ना, हम कर भी इसीलिए रहे हैं ताकि आपकी आवाज़ लोगों तक पहुंचे। हम आपका नंबर चलाएंगे अपनी टीवी स्क्रीन पे, ठीक है? शुक्रिया, ताकि लोग जो है ना वो आपकी मदद करें, और अल्लाह करे कि आपके घर का किराया पूरा हो, आपका इलाज बहुत अच्छे से हो, है ना जी? शुक्रिया। अभी आप थोड़ी देर पहले आए थे, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, अब आप बेहतर महसूस कर रही हो जी? जो मेरी गाड़ी में मुझे लिटा दिया था मच्छी सबने। अब आप बेहतर महसूस कर रही हो ना? हमें गर्दन देखो पाते रखता गर्दन। ये सब आपको पता है टेंशन से, आपने दो बातें मुझसे की, थोड़ा सा मेरे साथ रो लिया तो दिल हल्का हो गया, है ना? परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना, ठीक है? अल्लाह ताला ने मुझे और लोग चल ले आया था, बहुत अल्लाह ने मुझे बहुत सुकून देगा अल्लाह ताला ने मुझे। अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, हिम्मत नहीं हारनी आपने। शाबाश, देखो माशाल्लाह से कितनी स्ट्रांग हो आप। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम जो ये प्रोग्राम करते हैं, हम इसमें जो है ना वो आपका नंबर देंगे, जब हम टीवी पे नंबर चलाएंगे और आपके घर के बिल, आपकी बीमारी, आपके हस्बैंड के जो गुर्दे का इलाज है वो, आपकी बेटियों की शादी का जहेज, बहुत कुछ है जी। तो वो अगर लोग आपकी मदद करना चाहे तो वो कैसे करें? कोई नंबर, कोई फाड़ों में जाकर मैं किसी से लेकर फिर आपको देंगी। भेजने वाले भी यकीनन समझदार ही होते हैं। अच्छा, तो वो भी आपसे फोन पे बात करेंगे। हम जब आप भेजे पैसे तो मेक श्योर के आप इनके साथ वीडियो कॉल करें कि इनको वो रकम जो है जो आपने भेजी है वो मिल गई है ना? हम आपके लिए राशन भी लेके आए रमजान के लिए, और ईद के जोड़े भी हैं। और मैं दुआ करती हूँ कि आपके आने वाले तमाम दिन बहुत अच्छे गुजरे, अल्लाह ताला आपकी बेटियों की अच्छी जगह पे शादियाँ कराएं। आमीन सुमा आमीन। और अल्लाह पाक आपको खुशियाँ दे, और अंकल जो आपके हस्बैंड हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। आमीन सुमा आमीन। और नेकी को प्लीज़ जारी रखिए, ये सिर्फ रमज़ान तक लिए नहीं, ये हमेशा हर साल हर दिन होनी चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर आप मेरे वाकई ट्रूली फैंस हैं तो मैंने जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन सब को डोनेट करेंगे, क्योंकि हम इनकी फैमिलीज़ को जानते हैं, हम पहले पूरी वेरिफिकेशन करते हैं, उसके बाद ही हमारे पास आते हैं शो पे। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।